Hello everyone, we are going to discuss a problem known as the post-correspondence problem in this lecture. Our post-correspondence problem was introduced by M.L. Post in 1946. इस प्रॉब्लम को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है और जैसे कि जो ट्यूरिंग मशीन की हॉल्टिंग प्रॉब्लम होती थी उसको हम कहते थे कि दैट वाज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, इसी तरह से halting problem of Turing machine. So this we have already discussed that the halting problem of the Turing machine is undecidable. Similarly, the PCP problem or the post correspondence problem is undecidable problem. Now what is the post correspondence problem in which we have the tiles or the dominoes or in dominoes pe kuch characters likhe honge. For example, ek mere paas domino hai jisme ki B oblique C ye likha hua hai. ये मेरे लिए एक डोमिनोज है या टाइल्स है. सो दिस इज अ डोमिनोज और अ टाइल और इस पे कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं बी और सी ए लिखा हुआ है. बी ऑब्लिक सी ए. एक मेरे पास और टाइल है जिसमें लिखा हुआ है ए अपॉन ए बी. एक मेरे पास और टाइल है और यहाँ पे लिखा हुआ है सी ए अपॉन ए. नाउ एक मेरे पास और टाइल है जिसमें कि ए बी सी अपॉन सी लिखा हुआ है. सो दीज आर द फोर टाइल्स. हमें क्या करना है कि इसका सीक्वेंस ऐसा बनाना है इन टाइल्स का जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड में जो स्ट्रिंग्स हो वो सेम आ जाए. तो अभी हमें ऐसे, अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करें तो हमें ऐसे टाइल से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना सोल्यूशन जिसमें कि न्यूमरेटर का पहला कैरेक्टर और डिनोमिनेटर का पहला कैरेक्टर मैच करता हूँ. सो ये केवल टू नंबर डोमिनोज या टू नंबर टाइल में अवेलेबल है. सो आई हैव ए अपॉन ए बी विच इज द टू नंबर टाइल. सो अभी तक मुझे जो मिला है न्यूमरेटर में ए और डिनोमिनेटर में ए बी मिला है. अब डिनोमिनेटर में एक बी एक्स्ट्रा है तो मुझे एक ऐसा टाइल चाहिए जो कि बी से स्टार्ट होता हो. बी से स्टार्ट होने वाला केवल एक टाइल है जो कि वन नंबर है. सो दिस इज बी अपॉन सी ए. सो अब तक मुझे जो मिला है ए बी अपॉन सी ए. अब इसके बाद मुझे एक ऐसा टाइल चाहिए जिसमें कि सी ए से स्टार्ट होता हो. तो सी ए से स्टार्ट होने वाला जो टाइल है वो केवल थ्री नंबर टाइल है एंड द थ्री नंबर टाइल इज सी ए अपॉन ए. सो दिस इज सी ए अपॉन ए. नाउ डिनोमिनेटर साइड में एक एडिशनल ए हो गया तो मुझे एक ऐसा टाइल चाहिए जिसमें कि ए हो न्यूमरेटर में. सो दो टाइल्स ऐसे हैं जिसमें ए न्यूमरेटर में है, एक है टू नंबर और एक है फोर नंबर. सो लेट्स से हमने फोर नंबर को, सॉरी टू नंबर को हमने पिक किया. सो टू नंबर को अगर हमने पिक किया सो दिस इज ए अपॉन ए बी. सो दिस इज ए एंड ए बी. ओके सो अभी तक हम देखते हैं कि कितने कैरेक्टर्स मैच कर गए हैं. ए बी सी डबल ए, ए बी सी डबल ए मैच कर गया है. ए बी एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब मुझे एक ऐसी टाइल चाहिए जिसमें न्यूमरेटर साइड में ए बी हो. न्यूमरेटर साइड में ए बी है फोर नंबर टाइल में जहाँ पे ए बी सी है अपॉन सी. सो लेट मी राइट दिस ए बी सी अपॉन सी. तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी यहाँ पे और ए बी सी ये भी मैच कर जा रहा है. इसके पहले वाले कैरेक्टर्स ऑलरेडी मैच्ड हैं. तो हम लोगों ने ये सीक्वेंस फाइंड कर लिया. इसका मीनिंग है कि इसका आंसर है 2 1 3 2 4. इस सीक्वेंस में अगर हम टाइल्स को अरेंज करेंगे तो हमें सेम स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका और थोड़ा सा शॉर्टकट में इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे. नाउ दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइल नंबर वन है उसमें ए पार्ट जो है वो वन है. ए पार्ट का मीनिंग ये है कि हमारे पास जो टाइल है वो ए बाई बी टाइप की है. सो ए पार्ट में वन है और जो बी पार्ट है उसमें ट्रिपल वन है. दूसरा ऐसा टाइल है जिसमें कि 10 ट्रिपल वन है और 10 है ए बाई बी के फॉर्म में और तीसरे पार्ट में 10 ऑब्लिक 0 है. तो अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं. जो सोल्यूशन है उसमें हमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक ऐसे टाइल से हमें स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कि ए और बी का जो पार्ट है वो ऐसा हो जिसमें कि पहले कैरेक्टर्स मैच करते हैं. तो ऐसे दो टाइल्स अवेलेबल है हमारे पास, एक है वन नंबर टाइल और एक है टू नंबर टाइल. सो लेट्स से हमने वन नंबर टाइल के साथ अपना गेम स्टार्ट किया. सो दिस इज 1 ट्रिपल 1. सो एक स्ट्रिंग वन है और जो दूसरा पार्ट है जो बी वाला पार्ट है उसमें मुझे 1 1 मिला. अब 1 1 एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में तो मुझे एक ऐसी टाइल सर्च करनी चाहिए जिससे कि मुझे 1 1 मिले, 1 1 मिले मुझे न्यूमरेटर साइड में. सो 1 1 वाला मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम सिंगल वन वाला सेलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन सिंगल वन वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि लीड ना करे, लेकिन फिर भी चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. सो 1 एंड 1 1 आपने फिर से सेलेक्ट कर लिया, मतलब 1 नंबर टाइल.
सो वन नंबर आपने पहले भी सिलेक्ट किया था, वन नंबर आपने अब सिलेक्ट कर लिया। सो नाउ अगर आप देखें तो न्यूमरेटर साइड में है 1 1, और जो डिनोमिनेटर साइड है वो वाला साइड में है 6 1s है। तो अब हमें ऐसा टाइल चाहिए जिसमें कि 4 1s आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि 4 1s वाले आपको मिल जाए। तो ये जो सोल्यूशन है वो मुझे लीड नहीं करेगा सही आंसर की तरफ। तो ये देखते हैं क्या इसका दूसरा सोल्यूशन अगर हम फाइंड करें तो क्या वो लीड कर सकता है क्या। तो वंस अगेन हम रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने सोल्यूशन को, और रीस्टार्ट करते समय हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइल सर्च कीजिए जिसमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट्स हों या सेम कैरेक्टर्स हों। तो इसमें 10111 टाइल नंबर 2 से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और B10 तो यहाँ पे मैच कर रहा है, मैक्सिमम मैच हो रहा है 1010 का। इसलिए अब हम नेक्स्ट टाइल की तरफ चलते हैं जिसमें मुझे 1111 चाहिए ऑन द डिनोमिनेटर साइड। तो 1111 वाला कौन सा है, ये 1 नंबर टाइल है। सो लेट्स से हमने 1 नंबर टाइल ले लिया, सो दिस इज 1 एंड 1111। सो 10111 एंड 10111 हैज मैच, जो नहीं मैच हो रहा है वो 1 है मेरा न्यूमरेटर साइड में। तो अगर 1 मेरा न्यूमरेटर साइड में, तो मुझे एक ऐसा टाइल चाहिए जिसमें कि 1 न्यूमरेटर साइड में एडिशनल है, तो डिनोमिनेटर साइड में एक ऐसा टाइल होना चाहिए जिसमें कि 1 हो। तो डिनोमिनेटर साइड में 1 वाला 2 टाइल है, एक है 1 और एक है 2। लेट से हमने 1 को सेलेक्ट कर लिया, 1 एंड लेट से 111 अगेन। सो ये जो अभी तक हमें सोल्यूशन मिला है वो क्या मिला है, 10111 देन 1 एंड 1। नीचे वाले साइड में क्या मिला, 10111 एंड 111। अब मेरे पास न्यूमरेटर साइड में, सॉरी डिनोमिनेटर साइड में 1 है, मुझे न्यूमरेटर में 1 वाला कोई एक टाइल चाहिए। सो न्यूमरेटर में 1 वाले 3 टाइल्स हैं, तीनों में से हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हमने 3 नंबर टाइल को सिलेक्ट किया है, तो 3 नंबर टाइल में है 10/0। सो दिस इज 10/0, इट हैज एग्जैक्ट मैच। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज 2113। तो इस केस में मुझे सोल्यूशन मिल गया है। आइए काम करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। सो लेट्स से कि हमने एक और अरेंजमेंट लिया जिसमें कि ए और बी के फॉर्म में टाइल्स गिवन है। पहली टाइल है 10/101, जो दूसरी टाइल है दैट इज 011 एंड 11, और जो तीसरी टाइल है दैट इज 101 एंड 011। नाउ अगर हम सोल्यूशन की तरफ पढ़ें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट्स वाले जो आपके टाइल्स हैं वो केवल ए टाइल है, 1 नंबर टाइल है। तो 1 नंबर टाइल में गिवन है 10/B में हमारे पास है 101। एडिशनल 1 है मेरे पास न्यूमरेटर में, अगर इसके लिए आप फिर से इसी को रिपीट करा देते हैं 1 नंबर टाइल को। सो दिस इज 10/101, देखते हैं क्या ये मैच हो रहा है क्या। सो दिस इज 10/10, दिस इज 10/11। सो ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट लीडिंग अस टू द करेक्ट सोल्यूशन। एक और इसमें देखते हैं कि हमने 1 नंबर से स्टार्ट किया, 1 नंबर से स्टार्ट करना हमारी मजबूरी है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल यही टाइल ऐसी जिसमें कि सेम कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। सो दिस इज 10 एंड 101। लेट्स से इसके बाद हमें 1 चाहिए न्यूमरेटर में, उसके लिए हमने 1 नंबर टाइल की जगह हमने 3 नंबर टाइल ले ली। सो जो 3 नंबर टाइल अगर हम लेंगे, सो 3 नंबर टाइल है 101/011। सो देखते हैं क्या ये मैच हो रहा है, 10/101/10/101, यस ये मैच हो रहा है। और इसके बाद फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 के लिए अगर अपने सेम ये वाली टाइल को रिपीट करा दिया, मतलब कि 101 एंड 011। सो देखते हैं कहाँ तक मैच हुआ है। सो दिस इज 10/10/11, 10/10/11 एंड देन 01 एंड 01, एंड एंड में आप या लास्ट में आपके पास 1 बच रहा है। अगेन अगर आपके पास सेम यही वाला अगर आप टाइम्स को सेलेक्ट करेंगे 10/101/011, तो फिर से ऐसा होगा कि पार्शल मैच होगा और लास्ट में एक 01 रह जाएगा इन द डिनोमिनेटर। सो आप क्या कर रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ टाइल, बस जो 3 नंबर टाइल है उसका बार बार सेलेक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है और इसका सोल्यूशन कभी मिलेगा भी नहीं। तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये जो डोमिनोज वाली प्रॉब्लम है जिसको हम पोस्ट कोरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कह रहे हैं, पीसीपी प्रॉब्लम, दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। इसमें ये डिसाइड कर पाना कि क्या ये सोल्यूशन मुझे करेक्ट दे देगा और हॉल्ट कर जाएगा, या फिर ये इनफाइनाइट लूप में चलता चला जाएगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रडिक्टेबल है। सो दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। थैंक
Thanks for watching this.